हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, इवन, टू, ऑल्सो, आइदर और एज वेल, इन सबका मतलब भी होता है, लेकिन इन सबका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से करते हैं। किसी का इस्तेमाल सेंटेंस के अंत में होता है, तो किसी का सेंटेंस के शुरुआत में होता है, तो किसी का सेंटेंस के बीच में होता है। तो वही आज हम सीखेंगे कि किसका इस्तेमाल सेंटेंस के अंत में होता है, किसका इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में और किसका बीच में होता है, और कौन सा वर्ड किस तरह के सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि नेगेटिव के लिए या पॉजिटिव के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, ऑल्सो, टू, एज वेल, आइदर एंड इवन, ये जितने भी वर्ड हैं इन सब का मतलब एक ही होता है, बट इनका इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो वो क्या होता है, ऑल्सो, टू और एज वेल, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इधर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इवन का इस्तेमाल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस के लिए होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए नहीं होता है। टू, एज वेल, आइदर, इनका इस्तेमाल सेंटेंस के अंत में होता है। ओके, हम अभी सेंटेंसेस बनाकर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते जाएंगे और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल्सो का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले होता है। जैसे अभी हम सेंटेंस लेते हैं, वह भी तैयार है, वह भी तैयार है। अगर हम टू का इस्तेमाल करते हैं भी के लिए, तो ही इज रेडी टू, टू का इस्तेमाल हमेशा अंत में होता है। अगर हम एज वेल का इस्तेमाल करते हैं, तो एज वेल का भी इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के अंत में ही होता है, ही इज रेडी एज वेल। अगर हम ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले का इस्तेमाल हम करते हैं ऑल्सो का, ही इज ऑल्सो रेडी। ओके फ्रेंड्स, इज हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद ऑल्सो आया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल, ऑल्सो का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए ज़्यादातर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इवन का इस्तेमाल करते हैं, इवन, तो इवन का इस्तेमाल हम शुरू में ही करते हैं सेंटेंस की शुरुआत में, हम बीच में भी करते हैं, हम आगे बताएंगे आपको कि बीच में कब करते हैं। इवन ही इज रेडी, वह भी तैयार है, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं इवन के लिए कि यहाँ तक कि वो भी तैयार है, कि यहाँ तक कि वो तैयार है, हम ऐसा भी बोलते हैं। इवन का हिंदी ही यहाँ तक होता है, यहाँ तक कि वो भी तैयार है। ही इज नॉट रेडी आइदर, अगर हम आइदर का इस्तेमाल करेंगे तो आइदर का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो ही इज नॉट रेडी आइदर, वो भी तैयार नहीं है। अगर हम इसी नेगेटिव सेंटेंस को इवन लगाकर बनाते हैं, तो इवन ही इज नॉट रेडी, यहां तक कि वो भी तैयार नहीं है। ही इज नॉट इवन रेडी, यहां पर मैंने आपको बताया कि बीच में, यानी कि सेंटेंसेस के बीच में इवन का इस्तेमाल कब होता है, जब भी होता है तो सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। अभी यहां पर हमने लिखा इवन ही इज नॉट रेडी, इवन ही इज नॉट रेडी, यहां तक कि वो भी तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम इवन का इस्तेमाल ही इज नॉट इवन रेडी, रेडी से ठीक पहले कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ तक कि वो तैयार भी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, इवन ही इज नॉट रेडी, यहाँ तक कि वो भी तैयार नहीं है, और ही इज नॉट इवन रेडी, वो तैयार भी नहीं है। अभी दूसरा सेंटेंस है, इवन ही डजंट नो मी, यहाँ तक कि वो भी मुझे नहीं जानता है। इवन ही, जिसके पहले हम इवन लगाते हैं उसी में भी लगता है, ही मतलब वो भी मुझे नहीं जानता है। अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को इवन हमने यहाँ पर लगाया है मेन वर्ब से पहले, ही डजंट इवन नो मी, तो इसका मतलब हो गया कि वो मुझे जानता भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इवन आई डिड नॉट ईट, मैं भी नहीं खाया, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं खाया। इवन आई के साथ लगा है, इसलिए मैं भी हो जाएगा, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं खाया। आई डिड नॉट इवन ईट,
अब यहां पर इवन इट से पहले मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा आई डिड नॉट इवन ईट, मैंने खाना भी नहीं खाया, यानी कि मैंने खाया भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, इवन का स्थान चेंज करने से सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इवन का मतलब होता है यहां तक कि, जैसे आई डिड नॉट आइदर, आई डिड नॉट ईट आइदर। आइदर का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं और हमेशा सेंटेंस के अंत में करते हैं। तो मैंने भी नहीं खाया, हम इवन के बदले आइदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के अंत में होता है। आई डिड नॉट ईट आइदर, मैंने भी नहीं खाया। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आइदर का इस्तेमाल होता है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि वर यू देयर आइदर, क्या तुम भी वहाँ थे। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ आइदर का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है, बाकी सब का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी सब का मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि किसका पॉजिटिव के साथ होता है और किसका नेगेटिव के साथ होता है, और किसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके लिए कि इन सब का मतलब भी होता है, ऑल्सो टू एज वेल आइदर और इवन, बट इनका इस्तेमाल हम सेंटेंसेज में किस तरह से करते हैं, किसका स्थान कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम और भी ज़्यादा एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ओके, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड टू, आई एम गुड एज वेल, आई एम ऑल्सो गुड। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पहले सेंटेंस में आई एम गुड टू, टू लास्ट में लगाया गया है, मीन सेंटेंस के अंत में हमेशा आता है। आई एम गुड एज वेल का भी इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के अंत में ही होता है, बट ऑल्सो का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। आई एम ऑल्सो गुड। वो भी खिलाड़ी नहीं है, इवन ही इज नॉट प्लेयर, ही इज नॉट प्लेयर आइदर। अगर हम आइदर लगाकर बनाते हैं तो ही इज नॉट प्लेयर आइदर। मैं भी फल पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर। अगर हम इवन का इस्तेमाल करते हैं तो इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स। राहुल भी मेरे साथ नहीं है, अगर हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं तो राहुल इज नॉट विथ मी आइदर। अगर हम इवन का इस्तेमाल करते हैं तो इवन राहुल इज नॉट विथ मी, राहुल भी मेरे साथ नहीं है। मैं भी वहाँ जाऊँगा, अगर हम ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही इस्तेमाल करेंगे ऑल्सो का, आई विल ऑल्सो गो देयर। अगर हम टू का इस्तेमाल करते हैं तो टू का इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के अंत में होता है, तो आई विल गो देयर टू। और अगर हम एज वेल का इस्तेमाल करते हैं तो एज वेल का भी इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के अंत में ही होता है, आई विल गो देयर एज वेल। यहाँ तक कि उसने भी मेरी मदद की, इवन ही हेल्प्ड मी। उसने मेरी मदद भी नहीं की, ही डिड नॉट इवन हेल्प मी। उसने भी मेरी मदद नहीं की, इवन ही डिड नॉट हेल्प मी। आपने इवन का समझा होगा, देखा होगा कि अगर हमने उसने मेरी मदद भी नहीं की तो हम इवन कहाँ लगाएंगे, मदद भी यानी मदद के बाद भी आ रहा है, तो हम हेल्प के पहले ही इवन का इस्तेमाल करेंगे, ही डिड नॉट इवन हेल्प मी। अगर हम सेंटेंस को ऐसा बोलते हैं कि उसने भी मेरी मदद नहीं की, तो भी कहाँ आ रहा है, उसने के बाद, तो उसने का ही होगा, तो ही के पहले ही हम इवन का इस्तेमाल करेंगे। जिसके साथ भी लग रहा है उसके पहले हम इवन का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसने भी मेरी मदद नहीं की, इवन ही डिड नॉट हेल्प मी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इन सारे भी वाले वर्ड्स के लिए हम किस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और इनका स्थान सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ पर होता है। ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए,
ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।